हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट्सएप के जैसा एक नया एप्लीकेशन आया जिसका नाम है सिंगल। एप्लीकेशन मैंने भी यूज़ नहीं करा, लेकिन जो एलन मस्क है उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप की जगह पे सिंगल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि नया व्हाट्सएप पे नया प्राइवेसी पॉलिसी जो उन्होंने व्हाट्सएप वालों ने मतलब लागू कराया, उसमें ये कहा गया कि आप जितना डाटा पहले मतलब यूज़ करते थे व्हाट्सएप वाले, उससे ज़्यादा अब आपका डाटा यूज़ किया जाएगा। इससे बहुत से लोग खुश भी हैं और बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। तो इसी की जगह पर एलन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप की जगह पर आप सिंगल एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो उसके जगह पे। तो कैसा एप्लीकेशन चले जान लेते हैं। मैंने अपने फ़ोन में अभी इंस्टॉल करा है सिंगल एप्लीकेशन, मैंने अभी यूज़ भी नहीं करा कैसा है। तो चले मैं इसमें अकाउंट बना के देख रहा हूँ कि कैसा एप्लीकेशन है। तो बने रही वीडियो में। वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, इससे ये कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सिंगल टाइप करेंगे तो वहाँ से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन ओपन करते देखते कैसा है, इसके अंदर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ टेक प्राइवेसी विद योर सेल्फ इन एवरी मैसेज। तो यहाँ पर प्राइवेसी के बारे में कुछ लिखा, उसके बाद कंटिन्यू और बैकअप का ऑप्शन आ रहा, तो मैं कंटिन्यू बटन बटन क्लिक करूँगा। तो सिंगल जो यहाँ पे देख रहे थे पहले जैसा व्हाट्सएप में आता था सेम वैसी के वैसी, यहाँ पे तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अलाउ मांग रहा है मेरे से जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, उसके बाद यहाँ पे कॉल का अलाउ मांग रहा है, तो मैं इसको भी अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेम व्हाट्सएप पे जैसा ही है ऊपर में इंडिया और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली ले लिया उसने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये घूम रहा है, उसके बाद पता, उसके बाद शायद OTP आएगा और यहाँ पे OTP आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने और अपने आप ले लिया, उसके बाद थोड़े से लोडिंग और ये, उसके बाद पता नहीं आगे क्या हुआ। यहाँ पे देख सकते बटन आ गया हुआ, उसके बाद इंटर योर पिन, ये पिन अकाउंट दिस फ्रेंड योर ऊपर में लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते ऊपर मेरे को पिन करना था, क्रिएट योर न्यू पिन। तो शायद ये पिन कोई होगा जो इस पर क्रिएट करना, तो यहाँ पर कोई भी मैं सिंपल कर लेता हूँ। मैंने चार अंकों का पिन यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा चूज़ ए स्ट्रॉन्ग पिन, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल पिन नहीं चलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग पिन यूज़ यहाँ पे लगाना है, स्ट्रॉन्ग पिन नंबर यहाँ पे आपको लगाना। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो चुका, मेरे को बोला यहाँ पर दोबारा पिन नंबर एंटर करें, तो मैं यहाँ पर दोबारा एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ आगे क्या होगा, उसके बाद कैसा, मतलब फेस बोल तो रहा है कि मतलब एड्स व्हाट्सएप के जैसा ही है। तो यहाँ पे मेरा अगर दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे मेरा ईमेल ऑलरेडी मांग चुका ले चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपना नाम डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं कि जैसा व्हाट्सएप पे सेम टू सेम ये एप्लीकेशन भी वैसे ही, यहाँ पे आपको यह मिल जाता है आपका नाम एंटर करने का। उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम जैसे व्हाट्सएप ही है वैसे ही सेम ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं न्यू ग्रुप, मार्क ऑल, इनवाइट फ्रेंड, सेटिंग, सारा जितने भी ऑप्शन है ये सारे के सारे व्हाट्सएप के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने इस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो नाम सेव करेंगे यहाँ पे उस नाम से, यहाँ पे जो बंदा भी सिंगल एप्लीकेशन यूज़ करता होगा, जिस तरह से आप व्हाट्सएप में पहले बंदे का नंबर सेव करते थे उसके बाद वहाँ पे आप आ जाता था उस बंदे का नंबर, तो यहाँ पे भी अब जो बंदा सिंगल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा उसका नंबर जब आप यहाँ पर सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पर भी आपका उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है मेरा जो फ्रेंड जो सिंगल एप्लीकेशन यूज़ करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरफेस व्हाट्सएप के जैसा ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मतलब प्राइवेसी का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन, स्क्रीन सिक्योरिटी, ब्लॉक स्क्रीन, यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ब्लॉक। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मैं अपने मोबाइल से मतलब उस चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, एंड सामने वाला बंदा वो भी इस ऑप्शन मतलब जो भी चैट रहेगा उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखना बहुत बढ़िया है इसमें सिस्टम में। अगर इसमें ऑन करके रखता हूँ तो कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, मेरा सामने वाला बंदा भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता अगर मैं इसको चालू करके रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे को भी पता नहीं है। इतना मैंने बता दिया कि आपको इसको कैसे अपना अकाउंट बनाना और कैसे इसमें अपना अकाउंट बना के यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और कैसा एप्लीकेशन है, मैंने ये बताया। जैसे जैसे इसके नए नए फीचर के बारे में, चाहे इसको मैं सेटिंग के बारे में पता चलेगा, मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा इसके ऊपर। आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट, ख़त्म करते हैं।